लासिया कहानी अहम। अरे विमल, तुम क्या बात है, बहुत दिनों बाद आना हुआ। कुछ परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है? इतने दिनों बाद अपनी पड़ोसिन विमल को सामने देख मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। काश ठीक होता भाभी। आपको दो खबरें एक साथ सुना रही हूँ, एक अच्छी है तो एक बुरी। अच्छी खबर तो यह है कि विजय का प्रमोशन हुआ है, और बुरी खबर यह है कि उन्हें हरिपुर में स्थापित नए प्लांट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओह समझ गई, और तुम हरिपुर यानी अपनी ससुराल जाना नहीं चाहती? सिर्फ यही नहीं भाभी, अब तो बच्चों की पढ़ाई की समस्या भी है। आप तो जानती ही हैं, रात दिन बच्चों के संग मेहनत करके मैं उनका एडमिशन सेंट जेवियर में करवा पाई हूँ। 500 में से मात्र 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अपने हनी बनी उन्हीं बच्चों में है। अब यदि इन्हें ले जाकर उस कस्बे के साधारण से स्कूल में डाल दूं, तो बताओ भाभी इन बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। फिर मेरी ससुराल का सामंती वातावरण तो आप जानती ही हैं। आज भी वहां बहुओं को लंबा घूंघट निकालकर गृहस्थी में जुटे रहना पड़ता है। मेरे दोनों जेठ तो बाऊजी की पुश्तैनी खेती जमीन संभाल रहे हैं, जेठानियां भी कस्बाई परिवारों की ही हैं, इसलिए वहां का रूढ़िवादी माहौल उन्हें अजीब नहीं लगता। लेकिन मैं शहर में पली बढ़ी उच्च शिक्षित उस रूढ़िवादी परिवार में कैसे रह सकती हूँ? शादी के बाद एक साल तो मजबूरन जैसे तैसे वहां निकाल दिया। वे लोग तो इसके बाद भी मुझे विजय के पास नहीं भेजना चाहते थे, वो तो विजय को पोलियो हो गया और मजबूरन उन्हें मुझे इनकी देखभाल के लिए भेजना पड़ा। फिर तो मैं वापस लौटी ही नहीं, और विजय ने भी इसमें अपनी मौन स्वीकृति जता दी। तब से हम बस तीज त्योहार या कोई बीमारी वगैरह में संभालने ही हरिपुर जाते हैं। विजय जी का क्या कहना है, मैंने पूछा। उन्होंने तो अपना वहां जाने का एक तरफा निर्णय सुना दिया है, बड़ी मुश्किल से प्रमोशन मिला है, इसलिए मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। माँ के संग रहने का मौका भी मिल जाएगा, जब से नौकरी लगी है उनसे दूर ही रहना पड़ रहा है, इसलिए मैं तो जाऊंगा ही, तुम्हारी तुम जानो, मुंह बनाते हुए विमल ने पति की नकल उतारी। सब कुछ जानते हुए भी ऐसा एक तरफा निर्णय, मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। यही तो परेशानी है भाभी, ससुराल में बाऊजी तो अब रही नहीं, यकायक उनकी ये मातृभक्ति कहां से जागृत हो गई समझ नहीं आ रहा। आप तो इतनी कहानियां लिखती हैं, उनमें इतनी समस्याओं का समाधान करती हैं, मेरी इस समस्या का भी कुछ समाधान बताइए। विमल आशान्वित निगाहों से मुझे ताक रही थी। तुम विजय जी से तबादला रुकवाने का प्रयास करने का कह सकती हो, और माँ जी को भी यही अपने पास बुला सकती हो। तबादला तो इनका फिलहाल किसी भी सूरत में नहीं रुक सकता। रही माँ जी की बात, तो वे तो यहाँ आती रहती हैं। हाँ, 10-15 दिनों से ज्यादा उनका यहाँ मन नहीं लगता। भाभी मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं इन्हें इनके परिवार से दूर कर दूं। कुछ तो इनकी नौकरी की मजबूरी और कुछ मेरे सांस्कारिक भेद ने हमें इनके परिवार से दूर कर दिया है। तो फिर तुम ही बच्चों को लेकर संग चली जाओ, वहां बच्चों के लिए कोई अच्छा ट्यूटर लगवा लेना या तुम ही अतिरिक्त पढ़ाई करवा देना। नहीं भाभी, जो शिक्षा और उन्नत सामाजिक परिवेश उन्हें यहाँ महानगर में मिल रहा है वो वहां के कस्बाई माहौल में संभव ही नहीं है। तो फिर बच्चों को यहीं हॉस्टल में डाल दो और तुम पति के संग चली जाओ। ना भाभी ना, इतने छोटे बच्चों को यहाँ हॉस्टल में डाल दूं, अभी 8 और 5 बरस के ही तो हैं दोनों। उनके पिता उन्हें छोड़कर जाने का कठोर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन माँ तो आखिर माँ है, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। और पति के बिना रह लूंगी, मैंने टटोला। क्या करूं, मजबूरी है, जब वे हमसे दूर जाने का निर्णय ले सकते हैं तो हम उनसे दूर क्यों नहीं रह सकते। विमल के दंभ भरे स्वर ने मुझे चौंका दिया। कपड़े से छना हुआ पानी जैसे स्वास्थ्य ठीक करता है, वैसे ही विवेक से छनी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। मैं समझ गई, अब ये पति पत्नी के बीच अहम का मुद्दा बन चुका है,
और जहाँ अहम आड़े आ जाए वहाँ हर समझाइश बेअसर होती है। अपनी जिंदगी का ये महत्वपूर्ण निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना होगा विमल। कहानी को मनचाहा मोड़ देना मेरे हाथ में है, लेकिन जिंदगी में अनचाहे मोड़ लाना मेरे वश में नहीं। काश हमारी जिंदगी भी एक कहानी होती जिसे हम मनचाहे मोड़ दे सकते, लेकिन अफसोस जिंदगी में ऐसे ऐसे अप्रत्याशित मोड़ आते हैं कि हम मूर्ख दर्शक बने रह जाते हैं और हमारी जिंदगी औरों के लिए एक कहानी बन जाती है। विमल पूरी बात को कितना समझी ये मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना पता चला कि वे अपने बच्चों के संग इस महानगर दिल्ली में ही रह रही है। कभी कभी मुलाकात होने पर मैं उसका हालचाल पूछ लेती और वो बड़े गर्व से बताती कि वो माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल रही है। मुझे तब भी उसकी बातों से अहम की बू आती। शायद ये इंसान का स्वभाव ही है कि दूसरे को आत्मतुष्ट देखकर हम उस पर शक करते हैं कि वो अवश्य ही दिखावा कर रहा होगा। समय के अंतराल के साथ साथ विमल की ये गर्वोन्मत मुस्कान धूमिल पड़ने लगी। पैसों की उसे तंगी नहीं थी, लेकिन पहाड़ सा समय काटने के लिए उसने बच्चों को नृत्य सिखाना आरंभ कर दिया था। कुछ महीनों बाद जब मैं उससे मिली तो वो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद क्लांत नजर आई। मेरे टटोलने पर उसके अंदर जमा दर्द का लावा पिघलकर शब्दों रूपी सांचे में ढलने लगा। ये सुपर वूमन का मुखौटा लगाकर अब और नहीं जिया जाता भाभी। मेरे अंदर छुपी साधारण नारी बार बार उस मुखौटे के पीछे से झांक कर मुझे कमजोर बनाती है। मैं दुनिया की नजरों में सुपर वूमन हूँ और बनी रहना चाहती हूँ, पर अपने विजय के लिए तो एक सामान्य नारी ही बने रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें जब भी अवकाश मिले वे उड़कर मेरे पास पहुंच जाएं और मैं उनके चौड़े सीने में दुबक कर सारी विरह व्यथा भूल जाऊं। मैं चाहती हूँ वे मेरी परेशानियां समझें, मुझे कह दें कि हमारे बच्चों के लिए कितना त्याग कर रही हूँ। जब तक वे यहाँ रहें सिर्फ यहीं के होकर रहें, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर बाहर के दायित्व संभालें। लेकिन ऐसा लगता है उन्हें मुझसे, बच्चों से, इस घर से कोई मोह ही नहीं है। हम लोगों से मिलने के लिए उनके दिल में कोई ललक ही नहीं है। क्या बीवी बच्चों की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने से ही एक पति के कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है? वे तो यहाँ एक मेहमान की तरह आते हैं और औरों की तरह मुझे एक सुपर वूमन मानकर अपनी सभी जिम्मेदारियों से विमुख रहते हुए मात्र एक औपचारिकता निभाकर चले जाते हैं। मानो मुझे किसी मदद या किसी भावनात्मक संबल की जरूरत ही नहीं है। मैं मशीन नहीं, एक इंसान हूं भाभी। मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है जो पैसा नहीं प्यार चाहता है, लेकिन विजय तो समझते बूझते हुए भी अनजान बने रहते हैं। मानो मुझे किसी अपराध का दंड दे रहे हूं। मैं विमल के साथ साथ विजय की मनोदशा भी समझ रही थी। पत्नी ने दृढ़ता दिखाकर बच्चों व स्वयं की खातिर पति से दूर अकेले रहने का जो निर्णय लिया था उससे उस पुरुष का अहम आहत हुआ था। लेकिन उस पुरुष ने बिना पत्नी को विश्वास में लिए अपनी नौकरी को प्राथमिकता देते हुए जो एक तरफा निर्णय लिया था उससे पत्नी का अहम कितना आहत हुआ था इसकी उसे परवाह नहीं थी। मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए। खूबी और खामी हर इंसान में होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अगाध प्यार था, लेकिन अहम की दीवार इतनी ऊंची उठ चुकी थी कि उन्हें एक दूसरे का प्यार नजर नहीं आ रहा था। मैं ये भी समझ रही थी कि दीवार इतनी मजबूत है कि मेरी समझाइश की हथौड़ी इसे तोड़ नहीं पाएगी। वैसे भी सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लेकिन अंततः एक तूफान आया और इस दीवार को बहा कर ले गया। दिल्ली आते वक्त एक सड़क दुर्घटना में विजय का एक पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही विमल तुरंत दुर्घटना स्थल जाकर उसे ले आई और अस्पताल में भर्ती करवा दिया।
हरिपुर भी सूचना दे दी। विजय की माँ और भाइयों के पहुंचने तक उसके दाएं पैर में 3 महीने का प्लास्टर चढ़ चुका था। 2 दिन बाद जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो माँ और भाइयों ने विजय को हरिपुर ले जाने का औपचारिक आग्रह किया, लेकिन विमल ने दृढ़ता से उसे दिल्ली ही रखने का निश्चय किया। उसने सास और जेठ से भी घर रुकने का आग्रह किया, लेकिन जेठ ने तो अपनी व्यस्तता बताकर असमर्थता प्रकट कर दी और मांझी ने भी रुकने में कोई रुचि नहीं दिखाई। विमल को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, वो जी जान से पति की सेवा में जुट गई। यद्यपि विजय की दुनिया केवल बिस्तर तक सीमित थी और घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां विमल पूर्ववत निभा रही थी, तथापि घर में पति की उपस्थिति मात्र ने उसमें अद्भुत उत्साह का संचार कर दिया था। रात दिन वो विजय के आसपास ही डोलती रहती। पहले उसका समय काटे नहीं कटता था और अब उसे लगता था समय रेत की भांति उसकी मुट्ठी से फिसलता चला जा रहा है। उसका खिला खिला चेहरा देखकर लगता था मानो कोई सूखा ठूंठ लहलहा उठा हो। विजय के स्वास्थ्य में भी अपेक्षा से अधिक तेजी से सुधार हो रहा था। दोनों के लिए ही एक ओर हर्ष का विषय था तो दूसरी ओर विषाद का, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि विजय का चलना फिरना शुरू हो जाने पर उन्हें फिर विरह वेदना का सामना करना पड़ेगा। विजय का प्लास्टर खुलने में सप्ताह भर शेष था। मन ही मन दोनों ने उल्टी गिनती आरंभ कर दी थी, पर ऊपर से स्वाभाविक बने रहने का प्रयास कर रहे थे। 3 महीने के अंतराल ने दोनों के मध्य खड़ी अहम की दीवार में कई दरारें पैदा कर उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन भरभरा कर रह जाने के लिए किसी अंतिम ठोस प्रहार के इंतजार में वो अब भी खड़ी थी। विमल विजय के लिए सूप लेकर आई तो विजय ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। मैंने यहाँ आकर तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है ना, रात दिन तुम्हें चक्कर घिनने की तरह लगे रहना पड़ता है। अपनी नृत्य कक्षा भी तुमने काम की अधिकता की वजह से बंद कर दी है। खैर, अगले सप्ताह तक मैं पुनः हरिपुर अपने काम पर लौट जाऊंगा, तब तुम्हें फिर से आराम मिल जाएगा और तुम अपनी पहले वाली दिनचर्या फिर से आरंभ कर सको। इतने समय फिर से साथ रह लेने के बावजूद आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अपने ही घर में रहने से मुझे कोई असुविधा हो रही है? नृत्य कक्षा तो समय काटने का एक जरिया मात्र है। सच तो ये है कि आपके साथ के लिए मैं पिछले 2 वर्ष से छटपटा रही हूँ, लेकिन आज अपनी इस कमजोरी को आपके सामने स्वीकारने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। दुनिया को और आपको मैं ये दर्शाती रही कि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं, मैं अकेली ही सब कुछ करने में समर्थ हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी हूँ। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाती रही और पति के प्रति जिम्मेदारी भूल गई, पर अब मुझे आपकी मजबूत बाहों का सहारा चाहिए। इतना कहते हुए विमल का गला रुंध गया और विजय ने आगे बढ़कर उसे बाहों में समेट लिया। गलती तो मेरी है, अपने पुरुष अहंकार में लिपटा मैं ये समझता रहा कि तुम्हारा अस्तित्व तो मेरे पीछे है, जहां मैं जाऊंगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। अहंकार में उन्मत्त होकर अपना एक तरफा निर्णय तुम पर थोपना चाहा, कभी भी तुम्हारे संग बैठकर समस्या का निवारण खोजने का प्रयास नहीं किया। जब तुमने नृत्य कक्षा खोली तो मुझे लगा शायद आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होकर तुम मुझसे पूरी तरह छुटकारा पाना चाहती हो। बच्चे क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? मेरा भी तो उनके प्रति बराबर का उत्तरदायित्व है। हरिपुर रहकर मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा और बच्चों का क्या स्थान था। मैं वहां बहुत अकेला पड़ गया था, ऐसा लगता था किसी को मेरी जरूरत नहीं है, बस एक मजबूरी समझकर मुझे ढो रहे हैं। भाइयों का अपना परिवार है, माँ आरंभ में तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर वे भी मेरे प्रति लापरवाह हो गई। शायद उन्हें लगा होगा कि शादी कर देने के बाद भी वे कब तक मेरा काम करती रहेंगी। जी चाहता था नौकरी वगैरह सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं, पर फिर लगता तुम और घरवाले मुझ पर हंसोगे, दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी कि वो एक स्त्री होकर नहीं झुकी, अकेली रह रही है और मैं एक पुरुष होकर इतनी जल्दी घुटने टेक बैठा। लेकिन आज मुझे भी ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मेरा पुरुष अहम वास्तव में तुम्हारी कर्मठता और समर्पण भाव के समक्ष घुटने टेक चुका है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम फिर से संग रह सकें?
विमल ने आशा भरी निगाहों से विजय को निहारा। है क्यों नहीं, जहां चाहा वहां रहा। यदि हमने पहले ही अपने अहम को त्याग कर समस्या पर विचार किया होता तो बहुत पहले ही समस्या का हल निकाल चुके होते। जीवन में क्रोध आंधी समान है, इनके जाने के बाद ही नुकसान का पता चलता है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैं आज ही अपनी कंपनी के डायरेक्टर से बात करता हूँ। यह पांसी गुड़गांव में एक नया प्लांट लग रहा है, वहां मेरी पोस्टिंग संभव है। बस फिर मैं यहीं से रोज आया जाया करूंगा। सच? विमल को मानो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल सच, कहते हुए विजय ने उसे फिर से बाहों में भर लिया। विजय और विमल की जिंदगी तो समय के एक अंतराल के बाद स्वतः ही अपने सही रास्ते पर आ गई। मैं उनकी जिंदगी में कोई मनचाहा मोड़ नहीं ला सकी, लेकिन चाहती हूँ कि दुनिया के अधिक से अधिक जोड़े उनकी जिंदगी से सबक सीखें और खुशहाल गृहस्थ जीवन बिताएं।